सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास में Moto G04S फोन। दोस्तों इस फोन में आप अगर फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग पे सिंपली इस तरह से क्लिक कर देना है। सेटिंग ओपन जाने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ डिवाइस अनलॉक, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे लिखा हुआ है फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको अपना एक स्क्रीन लॉक बना लेना है। दोस्तों हमने पहले से बना रखा है, वही हम स्क्रीन लॉक यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ फिंगरप्रिंट, इस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ सेटअप पे इस तरह से क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके साइड में आपका फिंगर है, आपको अपना फिंगर इस तरह से धीरे धीरे करके थोड़ी देर में स्कैन करा लेना है। इस तरह से दोस्तों आपको कुछ देर का वेट करना होगा स्क्रीन। जब दोस्तों आपका फिंगर पूरी तरह से स्कैन हो जाएगा, इसके बाद में आपको यहाँ डन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपके फोन में सक्सेसफुल फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लग जाएगा।